माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमारे बेटू का बर्थडे का जो ब्लॉग है ना, स्पेशल ब्लॉग, वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ ब्लॉग को देखिए। और प्लीज़ यार, मेरे बच्चे के खातिर मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। और देखो पीछे अभी डेकोरेशन भी कितना ही प्यारा लग रहा है। और फिलहाल हमारे घर में जो भी जितने भी गेस्ट आए थे, मेरी फैमिली के सारे मेम्बर्स जा चुके हैं, मेरी मम्मी भी जा चुकी है और दीदी वगैरह अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं। और आज का जो दिन है, आज के दिन के बारे में आज आपको मैं बता देती हूँ। आज नर्मदा जयंती है, बहुत ही स्पेशल डे हमारे पूरे नर्मदापुरम में। आज हमारी माँ नर्मदा को बिल्कुल बिल्कुल रानियों महारानियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। जहाँ देखो वहाँ दिए ही जगमगाएंगे, तो हम लोग भी जाने वाले हैं। तो आज के इस यादगार पल को मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और हम सब इन्जॉय करेंगे। हमारे साथ आप लोग भी इन्जॉय करना और माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेना। तो आ चुके हैं हम गार्ड पे और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। एक मिनट आपको दिखाती हूँ। दर्शन करके और वहाँ और जो दिया वगैरह प्रज्वलित करके जला के और हमने पानी में से तैरा दिए थे। और उसके बाद हम आ गए थे। मैं कुछ ज़्यादा तो सूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए जल्दी से मतलब जगह तो थी नहीं, जैसे तैसे हम लोगों ने जगह बना के और अपना जो पूजा करना था वो किया। और वहाँ पर ना लाइट की वजह से ना छोटे छोटे बारीक बारीक ना वो कीड़े टाइप से भी आ रहे थे ना, इस वजह से। तो जितना उससे हो पाया उतना हमने किया, लेकिन यार बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिसको नहीं पता है कि नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती कैसे मनाई जाती है, तो आप है ना सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको आपके सामने सारी फ़ोटोज आ जाएंगी, सारी सब कुछ आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है यार सच में आज के दिन। और फिलहाल यहाँ पर हमारा डुग्गू, उसको बर्थडे पे जो साइकिल मिली थी ना वो चला रहा है। तो चलो यार आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।